गरियाबंद जिले में लगातार गांजा एवं अवैध शराब पर पुलिस कार्रवाई कर रही। इसी क्रम में जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश एवं छुरा थाना प्रभारी के नेतृत्व में 127 किलो गांजा मादक पदार्थ छुरा पुलिस ने जब्त किया है। बता दें कि छुरा थाना क्षेत्र के ग्राम खोड़िया डीही परशदा बांध के पास एक सफेद रंग की स्विफ्ट डिजायर कार से 126 पैकेट गांजा मादक पदार्थ जिसकी कुल वजन 172 किलोग्राम बताया जा रहा है, जिसे छुरा पुलिस ने जब्त कर लिया है। वहीं इस मादक पदार्थ की अनुमानित कीमत 12,72,900 रुपए बताई जा रही है। पुलिस के बताए अनुसार तस्कर वाहन को लावारिस छोड़कर फरार होने में सफल रहा, लेकिन गाड़ी एवं मादक पदार्थ को पुलिस ने जब्त कर लिया और चार पहिया वाहन के आधार पर पुलिस आरोपी की पतासाजी में जुट गई है। छुरा थाना क्षेत्र में जो है पुलिस को सूचना मिली थी कि स्विफ्ट डिजायर कार से जो है कुछ लोग उड़ीसा की तरफ से गांजा लेकर के त्रास हो रहे करके सूचना पर जो है पुलिस ने जो है धरपकड़ की कार्रवाई शुरू किया। जब पुलिस ने उस गाड़ी के पास पहुंचा और उसको दौड़ाए तो वो जो है गाड़ी छोड़कर भाग गए। गाड़ी छोड़कर भागने पर इस पर गिरफ्तार मतलब FIR दर्ज कर लिया गया है और कुछ पता लगाना जारी है। ये जो है गांजा लगभग 126 पैकेट था जो लगभग 1 क्विंटल 20 किलो के आसपास गांजा है। गरियाबंद से जयविलास शर्मा की रिपोर्ट। CGVision TV।